आज द्वितीय चरण की 8 सीटों पर महाराष्ट्र में मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बड़े उत्साह के साथ में हो रहा है। और जैसा प्रथम चरण में विदर्भ क्षेत्र में अप्रत्याशित रूप में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सभी सीटों पर उत्साह के साथ मतदान हुआ था, आज मैं समझता हूं कि उससे भी ज्यादा उत्साह आज के जो मतदान है उसमें है। और इसका कारण मोदी जी के नेतृत्व में एक तीसरी बार फिर से सरकार बन जाए, इसका निश्चय मैं समझता हूं कि अन्य प्रदेशों की तरह महाराष्ट्र में भी चुनाव यहां की जनता ने अपने हाथ में ले लिया है। पॉलिटिकल पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, यहां पर जो चुनाव है वो जनता लड़ रही है। और मैं समझता हूं कि जितनी सीटें हैं उन सीटों पर जो 43 सीटें हैं, अगर हमारे किसी कार्यकर्ता से आप पूछेंगे कि हमारा प्रत्याशी कौन, तो एक ही जवाब मिलेगा कि हमारा प्रत्याशी नरेंद्र मोदी। इस सीट पर, उत्तर मुंबई की सीट पर, मैं समझता हूं कि हमारे देश के सर्वोच्च संस्था राज्यसभा में हमारे पार्टी के नेता और अपने सरल स्वभाव के कारण जिनकी लोकप्रियता पूरे देश में है, आदरणीय पीयूष गोयल जी यहां पर लड़ रहे हैं। कार्यकर्ताओं में लोकप्रियता और जनता में विश्वसनीयता, ये उनका एक गुण है। और मैं समझता हूँ इस लोकसभा में भी एक पक्षी चुनाव यहाँ पर दिख रहा है, जहाँ सीटें नहीं घोषित हैं, जल्दी से जल्दी हमारा जो तृतीय चरण के शुरुआत में ही वो सीटें की घोषणा हो जाएगी। कल देवेंद्र फडणवीस जी एक विधिवत एक समारोह में, कार्यकर्ताओं के समागम में, चुनाव अभियान का और अधिक सुचारू रूप से चले इसका आगाज करने वाले हैं। हर कार्यकर्ता बीजेपी का अपने आप को नरेंद्र मोदी जी समझकर चुनाव कर रहा है, और बीजेपी 48 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। हर सीट पर जो हमारे मित्र पक्ष हैं उनमें भी बीजेपी बड़े भाई का रोल अदा कर रही है, और उनकी सीटों पर भी अग्रता हासिल करके वो चुनाव लड़ रही है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि आने वाले जो 4 जून है, देश तीसरी दिवाली का इंतजार कर रहा है। 6 महीने के अंदर 3 दिवाली, इतिहास का ये एक बड़ा अंग बनेगा। हमने नवंबर में अपना त्योहार दीपावली मिला के लक्ष्मी जी की पूजा की थी, हमने 22 जनवरी को राम मंदिर का निर्माण करके रामलला की पूजा की थी, और मैं समझता हूं कि बीजेपी सरकार बनने के बाद 4 जून को जब हम दिवाली मनाएंगे तो अपनी जनता जनार्दन की पूजा करने का भाव पूरे देश में होगा, और ये चुनाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी असर डालने वाला है। मोदी जी एक विश्व के बड़े नेता बनकर उभरे हैं, और इस चुनाव के बाद भारत की स्थिति और मजबूत होने जा रही है। राहुल गांधी जी का ये वक्तव्य कि वो विरासत को भी बांट देंगे, मनमोहन जी कहते थे कि पहला अधिकार अल्पसंख्यक का, और राहुल जी कह रहे हैं कि जो बचत करके रखा है उसकी हम स्क्रीनिंग कराएंगे। और उनके सलाहकार सैम पित्तोदा ये कहते हैं कि अमेरिकन सिस्टम लागू हो, और अमेरिकन सिस्टम ये है कि पिता की भी अगर संपत्ति आपको मिली है तो उसका 55% सरकार ले लेगी और 45% उनको मिलेगा। राहुल जी कहते हैं जो सरकार लेगी वो अल्पसंख्यक में बांट देगी। 4% का कर्नाटक में रिजर्वेशन देकर उन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान का बदलने का काम किया है। 4% के बाद वो पूरे देश में अल्पसंख्यक को अगर वो आरक्षण देते हैं, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की इस इच्छा कि संविधान में
केवल जाति आरक्षण होगा, संप्रदाय के आधार पर आरक्षण नहीं होगा, उसका अपमान होगा। ये कांग्रेस के लोग संविधान बदलना चाहते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की सदिच्छा के बाद भी ये एससी और ओबीसी के आदिवासी के आरक्षण को काटकर अल्पसंख्यक को देना चाहते हैं, इस समाज में विग्रह पैदा करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी जो गरीब है उसको संप्रदाय या जात के आधार पर नहीं, राशन सबको, टॉयलेट सबको, मकान सबको, सम्मान निधि सबको, सुरक्षा कवच सबको, यानी सबका साथ सबका विकास सबके लिए प्रयास पर काम कर रहे हैं। और राहुल जी बांटो छांटो डांटो और राज करो का सपना देख रहे हैं। तो मैं समझता हूं ये चुनाव राष्ट्रवाद और परिवारवाद के में हो रहा है। ये चुनाव में एक तरफ राम को, भगवान राम को मानने वाले, अंबेडकर जी का सम्मान करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ चुनाव में अंबेडकर जी को दो दो बार हराने वाली कांग्रेस और राम को काल्पनिक बताने वाली कांग्रेस और उसको सहयोग करने वाले उद्धव पक्ष की शिवसेना है, जिसने अपना चोला राम नाम का उतार दिया है। तो मैं समझता हूं कि इसमें राष्ट्रवादी ताकतें विजय होंगी। यही सब करने के लिए मैं अभी तक जो पूरा महाराष्ट्र है लगभग मैं उसमें 27-28 सीटों पर लोकसभा पर मेरा जाना हुआ है, और मैं कह सकता हूं कि महाराष्ट्र इस बार मोदी तूफान या मोदी मैजिक से आच्छादित है।